कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त ओबेरॉय ग्रैंड से बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर आज प्रेस मीट हुई है स्वरागिनी। जी हां, कलर्स टीवी पर नया एक टीवी सोप जो है वो शुरू होने वाला है 2 मार्च से, जिसका नाम है स्वरागिनी। और स्वरागिनी के स्टार कास्ट जो है वो इस वक्त आए हुए हैं कोलकाता शहर में, शूटिंग भी जो है वो भी चल रही है यहां पे, तो उनके साथ हमारी बातें होगी। सबसे पहले हम बातें करेंगे एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के साथ, बहुत ही शानदार से स्ट्रांग कैरेक्टर हुए नजर आ रही है, उनके साथ हमारी बातें होगी। तेजस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। सबसे पहले हाय, सबसे पहले जानना चाहूंगा कोलकाता में आप हैं, स्वरागिनी की शूटिंग चल रही है, पहली बार आई हैं कोलकाता, ओवरऑल एक्सपीरियंस सबसे पहले जानना चाहूंगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार रहा है, मेरी फर्स्ट ट्रिप है कोलकाता में और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ का खाना, मतलब मैं बहुत फूडी हूँ तो मुझे यहाँ के पूछ के, और मैंने कल वो चिकन रोल भी खाया था। हाँ, मुझे बोला गया कि यहाँ का स्ट्रीट साइड चाइनीज बहुत अच्छा होता है और यहाँ के पूछ के अच्छे होते हैं और यहाँ का मिठाई बहुत अच्छी होती है, तो मैंने मिठाई में गोलगप्पे खाए, रसगुल्ले खाए और सौंदेश खाया है, जो मुझे बहुत पसंद है। प्रिंसिप घाट में आज क्या क्या आप लोगों ने शूट किया, और स्वरागिनी के बारे में, अपने रोल रागिनी के बारे में अगर आप कुछ बताएं। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब जितना अभी तक शूट किया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट सीन हमने आज प्रिंसेप गार्डन में शूट किया है, जिसमें मेरे कैरेक्टर में बहुत वेरिएशन आपको दिखेंगे, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं है जो आज हमने सीन शूट किया है। और रागिनी के बारे में बताऊं तो बहुत सिंपल सी लड़की है, हमेशा अपने बड़ों की बात मानी है कि, और ऐसे नहीं है कि उससे कोई ज़बरदस्ती, हमेशा माना है कि बड़ों की बात माननी चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कभी कोई गलत बात नहीं कहेंगे हमें, तो ऐसी लड़की है, बहुत सिंपल है, म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखती है, बहुत अच्छी सितार प्ले करती है, बस वैसे ही है। पड़ोसियों के नोकझोंक को दिखाया गया है स्वरागिनी में, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, ऐसा होता है, आपके पड़ोसी कैसे हैं? हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि पड़ोसी से हमेशा प्यार से रहो, मिल बांट के रहो, पर इस शो में हमें ऐसा सिखाया कि कुछ भी हो जाए पड़ोसी से कभी बात मत करना और उनसे हमेशा दूर रहना, तो यहाँ बहुत उल्टा है पर अभी, और ये बचपन से चलता आ रहा है पर अभी जाके हमें ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा है क्यों, अब जानना है कि ऐसा क्यों है, समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सस्पेंस है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है दोनों फैमिली। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए, 2 मार्च है स्वरागिनी के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलिए थी हमारे साथ एक्ट्रेस तेजस्वी, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, आज दगान टोटल फन।